फिल्म इंडस्ट्री को सपने की दुनिया कहते हैं, ड्रीम वर्ल्ड। और आज मैं उस सपने की दुनिया से रियलिटी की दुनिया तक का सफर कराना चाहती हूँ। आर यू रेडी? सपना, सपना देखना सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है ना? और कितना अच्छा लगता है जब हम उस सपने को जीते हैं, जब हम वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे। गाइज, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है, कास्टिंग काउच है एंड लॉबी सिस्टम है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेन्युइनली बॉलीवुड में अच्छे हैं, जो जेन्युइनली रिस्पेक्ट जिनकी है इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो लोग बहुत कम। एंड यू नो व्हाट, बॉलीवुड में सबको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनको ज़्यादा टाइम लगता है। बट व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, थिंग्स मे हैपन एंड दिस कैन हैपन विद एनीबडी। और जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है, वो तो सारे प्रोफेशन में होती है। नज़रिया और स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। आज मैं एक्टिंग और इंडस्ट्री के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एज एन एक्टर, आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका डिक्शन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका कैरेक्टराइजेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऐसे कोई एक्टर नहीं बनता, वो अपने स्किल्स पे काम करता है, अपने अपने स्किल्स को निखारी, उन चीज़ों के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। स्ट्रगल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे आपको कोई चांस नहीं देता है। क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, तो आपको हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना होगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। स्ट्रगलिंग अ लॉट इन दोस टाइम्स, आई सेड यू नो, बड़ा संघर्ष है जीवन में, सो ही सेड जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है ना, आप अपने आप को उस काबिल बनाइए। आपके पास उतनी काबिलियत होनी चाहिए, उतना एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने खुद के खर्चे उठा सकें सर्वाइव करने के लिए। मुंबई पता है आपको कितनी एक्सपेंसिव है? मुंबई में रहने का रेंट, खाना पीना एंड देन ट्रैवलिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये बात कई सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहती हूँ कि कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो टाइम पे पेमेंट नहीं करते। आपको 3-3 महीने तक वेट करना पड़ता है, आपको 6-6 महीने लग जाते हैं, आपका पेमेंट नहीं क्लियर होता है। फिर यू लिटरली हैव टू वेट फॉर सो मच टाइम, 3 months, 6 months, यू आर नॉट गेटिंग पेड, व्हाट्स द पॉइंट? आप ये सोचते हो कि आप एक एक्टर बनने आए हो, आप ये सोचते हो कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आई एम नॉट स्केयरिंग यू, यू वांट टू बिकम एन एक्टर, ग्रेट, ऑसम। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो टाइम पे पेमेंट करते हैं, और जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो आपको एडवांस में भी पेमेंट मिलता है। अनश्योरिटी बहुत ज्यादा है, श्योरिटी नहीं है। ओके गाइस, आई विल टेल यू समथिंग, दिस इंडस्ट्री इज सुपर अमेजिंग, बहुत मजा आता है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। चाहे आप एक एक्टर हो, चाहे आप एक टेक्नीशियन हो, चाहे आप क्रिएटिव टीम में हो, चाहे आप किसी भी टीम में हो, कई बार होता है कि आपके पास इतना काम होता है कि आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, महीनों यू आर ऑक्यूपाइड विद योर वर्क, बट समटाइम्स यू डोंट हैव एनी वर्क। यू वोंट बिलीव, आई हैव सीन गर्ल्स गेटिंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन। दोस्तों, सही कंपनी में रहना बहुत जरूरी है, अपने माइंड को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल एंड अप इन अ वेरी टेरिबल स्टेट। गाइज, इसलिए मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाट, चाहे जैसे भी आप करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन आप मेडिटेशन करो, बिकॉज योर माइंड हैज टू बी इन दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट योर सिचुएशंस। देयर हैज टू बी अ करेक्ट वे ऑफ लाइफ। यू नो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि एक आप क्रिएटिव माइंड के इंसान हो, आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आती हैं, इसलिए आपका काम पे फोकस होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको किसी भी चीज का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पता है, कई लोगों से आप मिलोगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे, ट्रस्ट गेन करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, उसके बाद आपको चेंज करने की कोशिश करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, दे विल ट्राई टू चेंज यू, दे विल ट्राई टू ब्रेन वॉश यू, का कॉन्फिडेंस लेवल वो इतना कम कर देंगे, और वो एकदम से नहीं होगा, वो धीरे 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 कम होगा, एंड देन यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू विल बी ट्रैप्ड बाय देम, एंड दिस हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री। ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को टाइम टू टाइम प्रूव किया है, सो यू हैव टू बी इररिप्लेसेबल। आपको पता है एक चीज, कदम कदम पे लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके सामने दरवाजा बंद कर देंगे, इन दैट केस यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ। होता क्या है पता है, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट सक्सेस,
but nobody talks about failure. Nobody tells you how to deal with failure, how to deal with rejection. How to face that kind of pressure. अगर आपको लाइफ में रिजेक्शन फेस करना आ गया देन यू विल हैव नो इनसिक्योरिटी. तब आप हर चीज को बहुत बैलेंस्ड वे में देखोगे. यू नो वॉट एंड देन यू नो वॉट देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट वैल्यूइंग लाइफ. एक्चुअली ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है. कई बार होता है कि आपके पास काम नहीं होता. कई बार होता है कि आपके साथ के जो लोग हैं वो आपको समझ नहीं सकते. तो बहुत अजीब अजीब फीलिंग्स आती हैं. कभी भी ऐसा लगे ना, ऐसा फील हो कि बहुत लो फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो आप किसी से बात करो, किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करो. और अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं है तो उस फीलिंग को लिखो. इफ यू वॉन्ट टू क्राई यू क्राई, इफ यू वॉन्ट टू शाउट यू शाउट. Talk to yourself. लेकिन अपनी जान कभी मत लेना. हिम्मत मत हारना. अपनी फीलिंग्स को दबाना मत. उनको कभी सप्रेस मत करना. This too shall pass. The next moment can be your moment. So love yourself.